नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के और इंग्लिश के टॉप 25 क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। और जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप कमेंट करके आप साथ साथ जरूर बताना। और इस वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और कल वाले क्वेश्चन का भी मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, सेनानी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन में आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे, तो जल्दी से बताएं सेनानी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही, मुकुल। दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कालिदास के नाटकों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किसने किया, ये आपको बताना है। कोमल कोठारी, मुरारीदास मिशन, बद्री प्रसाद संकरिया या फिर चंद्र सिंह, किसने किया, जल्दी से बताएं। कालिदास के नाटकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों, वो आपको बताना है। तो किसने, चंद्र सिंह ने, चार नंबर ऑप्शन का इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया, चार ऑप्शन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आप लोगों का, बिल्कुल सही, मुरारीदास मिशन ने, एक नंबर ऑप्शन का इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सुमेलित करना है फ्रेंड्स, आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। सुमेलित करके एक साइड में साहित्य दिए, दूसरे साइड में इसके रचनाकार है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही दोस्तों आपका, बिल्कुल सही, मातृभाषा रोग गीत है राम सिंह ने, ठाकुर राम सिंह कनक भारतीय, शिवचरण भारतीय, हमें पाटरी पटरी श्रीलाल जोशी, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पग फेरों मणि मधुकर और अनोखी कहानी बद्री प्रसाद संकरिया, एक नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, एक नंबर ऑप्शन प्राइस में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है अपना, देखिए लू तथा डाफर रचना, ये मर्दों का टिल्ला, दरिंदे एक और मुख्यमंत्री, इनके लेखक कौन कौन है वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएं इसके लेखक कौन कौन है। तो लू तथा डाफर के चंद्र सिंह, मर्दों का टिल्ला डॉक्टर रांगे राघव, दरिंदे के हमीदुल्ला और एक और मुख्यमंत्री की यादवेंद्र सिंह यानी यादवेंद्र शर्मा, यानी अपना एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से देखना, किरतार बावनी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। किरतार बावनी के लेखक कौन है, बख्तावर जी, अल्लू जी कविया, नरपति नाले या फिर शिवदास। नरपति, किरतार बावनी के लेखक कौन है, जल्दी से बताएं कौन है। तो कौन है दोस्तों, अल्लू जी कविया, ठीक है। दो नंबर ऑप्शन, किरतार बावनी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, अल्लू जी कविया है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके फ्रेंड्स आप जरूर बताना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या रहेगा इसका, कवि दुर्सा आडा रहेगा दोस्तों, ठीक है। किरतार बावनी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, कवि दुर्सा आडा है, ठीक है। तो अपना इसमें यह याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुमेलित करना आपको, एक साइड में कृति, दूसरे साइड में इसके लेखक है। रूठी रानी, राजरूपक, माधवानाल, कामकंदला, ब्रजनिधि ग्रंथावली, इनके सही सही बताना आपको, सुमेलित करना, इनके लेखक कौन कौन है वो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आप लोगों का, रूठी रानी केसर सिंह बार्ट, राजरूपक वीरभान, माधवानाल कामकंदला, राधापति कवि और ब्रजनिधि ग्रंथावली महाराणा महाराज प्रताप सिंह, यानी अपना इसमें एक नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, आठ नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित्र के लेखक है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स, मोहन राज शाह, एक नंबर ऑप्शन, आठ में अपना एक नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, उमर काव्य के लेखक है, उमर काव्य के लेखक कौन है, उमर दानचारण, सूर्यमल मिश्रण, मोहन सिंह या फिर कोई नहीं, जल्दी बताएं उम्र काव्य के लेखक कौन है फ्रेंड्स, उम्र काव्य के लेखक, राइट उम्रदान चारण है, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस सरस्वती पुत्र को प्रदेश का प्रथम हिंदी गद निर्माता, प्रथम उपन्यासकार और प्रथम पत्रकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत से स्टूडेंट, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, श्री मेहता लजाराम शर्मा, जी हाँ फ्रेंड्स, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट, मुरारीदास मिश्र ने दोस्तों का राजस्थानी भाषा का क्या योगदान है, ये आपको बताना है, क्या योगदान है, जल्दी से बताएं, यहाँ पे क्या योगदान है फ्रेंड्स, मुरारीदास मिश्र का, जल्दी से बताएं। तो क्या योगदान है, शब्दकोश में, ठीक है, दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, 12 नंबर,
विजयदान दे था कि किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विजयदान दे था कि किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो आपको बताना है किसको, बातारी फुलवारी को फ्रेंड्स। 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन सुमिलित कर दीजिए आराम से, रचना है और दूसरे साइड में रचनाकार। फागण पुराण, श्री गीत रामायण, चौरी पृथ्वीराज रास हो या फिर लेलटास, जल्दी से बताएं इसका सी आंसर क्या रहेगा, सुमिलित करके बताना। आप आराम से बता सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताएं तो राइट रहेगा इसमें। फागण पुराण मोहन राम, श्री गीत रामायण अमृतलाल माथुर, चौरी मेघराज मुकुल, पृथ्वीराज राठौर चंद्रबरदाई और लेलटास कन्हैयालाल सेठिया। 1 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स, 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी में पवाड़ा से तात्पर्य है लोक गाथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य या फिर लोक नाट्य। पवाड़ा, पवाड़ा पूछा है फ्रेंड्स, पवाड़ा से क्या तात्पर्य है, तो क्या है, लोक गाथाएं, लोक गाथाएं। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है अपना। नेक्स्ट रचना, दूसरी साइड में रचनाकार। वचनिका राठौड़, रतन सिंह, मेघदूत, विरुद्ध छत्री, वंश भास्कर, वीर विनोद, इनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, वो आपको बताना है, जल्दी से इसका सी आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का। वचनिका राठौर, रतन सिंह जी, खिड़ियो जग्गो, मेघदूत मोहन प्रभाकर, विरुद्ध छत्री दुर्सा जी, वंश भास्कर सूर्यमल और वीर विनोद श्यामल दास दोस्तों, यानी अपना 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट है, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो हमारे जीके क्वेश्चन थे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक जरूर करना, लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सामने के बेल आइकन को दबाकर फ्रेंड्स ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, जिससे आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। तो आप साथ साथ में कमेंट करके आप ज़रूर बताते रहें। इंग्लिश का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, डायरेक्शन दिशा निर्देश, इन दीज क्वेश्चन चूज द वर्ड्स सिनोनिम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ये आपको बताना है। शब्द के अर्थ में समानार्थी शब्द चुनना है आपको, शब्द चुनने कौन सा, ठीक है। जैसे वेरसिटी, वेरसिटी क्या रहेगा इसका, जल्दी से इससे संबंधित शब्द कौन सा है, यानी वेरसिटी यानी सत्यवादिता यानी सत्यनिष्ठ, इसका समानार्थी बताना है। विजडम, फ्रीडम, लॉयल्टी या ट्रुथ, कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, तो इसमें रहेगा ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच्चाई और वेरसिटी मतलब है सत्यवादी। तो फ्रेंड्स इसका अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना इसमें 16 में राइट रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डल सेट, इसका बताना आपको, जल्दी से बता सकते हैं क्या रहेगा इसका सही आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। डल सेट मतलब कर्णप्रिय या मनोहर होता है दोस्तों, मनोहर, तो इससे संबंधित आपको बताना है प्राइवेसी, ठीक है। जल्दी से इसका समानार्थी कौन सा रहेगा, डल, हार्ड, सोर या स्वीट, जल्दी से फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, कर्णप्रिय या मनोहर क्या रहेगा, स्वीट रहेगा दोस्तों, स्वीट यानी मीठा, मधुर या कर्णप्रिय होता है। तो इसमें भी अपना डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट रहेगा। और आपसे पूछ लिया जाएगी इनके इसके अन्य प्राइवेट शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स, डल सेट के कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जेंटल होते हैं, प्लीजेंट, मेलोडियस, मेलो, समथिंग सॉफ्ट, ये इसी के प्रायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप, डायरेक्ट इन दीज क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। एक शब्द दिया डायरेक्ट, आउट फॉर द अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच स्पीच, जल्दी से सिलेक्ट करें फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सचिन सेज दैट विराट लव्स क्रिकेट, सचिन का कहना कि विराट को क्रिकेट पसंद है, तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मतलब दिया गया वाक्य अगर इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा ये जो दिया आपको, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस है। और नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेगा, सचिन सेज विराट लव्स क्रिकेट है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, सचिन कहते हैं कि विराट को क्रिकेट है पसंद है। तो फ्रेंड्स अपने इसमें क्या रहेगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन था इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, बटलाइज का बताना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सी आंसर क्या रहेगा, समानार्थक शब्द बताना आपको, समानार्थक शब्द बताना है। बटलाइज इसका क्या रहेगा, पहले तो वो बताइए, हिंदी शब्द यानी नर्स होना या नर्सेंस बनाना, क्या होता है फ्रेंड्स, नर्सेंस होना या नर्सेंस बनाना, तो इसका क्या रहेगा, थर्ड ट्रीट है। थर्ड ट्रीट मतलब क्या रहता है दोस्तों, दुर्व्यवहार करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार। ब्रटलाइज का मतलब क्या हुआ, नरसंस होना, इसका समानार्थ क्या होगा, दुर्व्यवहार करना। तो आपको एक शब्द चुना था, तो इसमें अपना बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन वर्ड गिवन बेलो, आपको शब्द चुनना ही एग्रीड मी इन दिस मैटर। इसमें चार ऑप्शन आपको, इसमें से आपको चुनकर इसमें बताना है कि इसमें सही कौन सा वर्ड आएगा। ही एग्रीड है मी इन दिस मैटर, यानी वह इस मामले में मुझसे सहमत थे। तो चार ऑप्शन आपके क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, वह इस मामले में मुझसे सहमत थे यानी विद मुझसे, यानी डी ऑप्शन फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा अपना इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट एग्री माई पर्सनल सजेशन, वह मेरे सहमत, वह मुझसे सहमत नहीं, मेरे सुझाव से सहमत नहीं थे। तो ये आपको बताना है इसमें क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करें, आराम से सोचकर बता दीजिए दोस्तों। ही डिड नॉट एग्री एज प्रपोजल या सजेशन, वह मेरे सुझाव से सहमत नहीं थे। इसमें राइट क्या रहेगा जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, ही डिड नॉट एग्री टू माई पर्सनल सजेशंस, वह मेरे प्रस्ताव से या सुझाव से सहमत नहीं थे, यानी सी, सी अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही स्पीच कम्युनल पेशेंस अमोंग द ऑडियंस, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ इसका, उनके भाषण ने दर्शकों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाया या भड़काया। तो इसमें क्या रहेगा अपना इंसिटेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंसिटेड मतलब सी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं इसमें आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, जल्दी देख लीजिए, द पैसिव वॉइस फ्रॉम द अबोव सेंटेंस विल बी, जल्दी से इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स, यानी उपरोक्त वाक्य का निष्क्रिय स्वरूप क्या हुआ वो आपको बताना है। दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रेन, वे सभी बच्चों को आमंत्रित करेंगे। तो अपना इसमें राइट क्या रहेगा वो जल्दी से आप पहले कमेंट करें, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो पहले फ्रेंड्स ये देखिए कौन सा वाक्य है, तो दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रेन, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार का, देखिए ऑल द चिल्ड्रेन विल बी इन्वाइटेड, यानी अपना ए ऑप्शन, ए ऑप्शन पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लोबल, फिलोम से बताना आपको ग्लोबल, पहले तो पता ग्लोबल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो ग्लोबल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, वैश्विक होता है, ये आपको पता है ग्लोबल का अर्थ क्या था, वैश्विक। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, यूनिवर्सल, लोकल, अर्बन या फिर रूरल, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वैश्विक का स्थानीय यानी लोकल, सी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन अपना इसमें 24 में सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन दोस्तों, लोकल बी है, तो बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आराम से बताना, द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, छात्रों को बताया कि वे इन शब्दों को शब्दकोश से देखें, तो जल्दी से बताएं किससे फ्रेंड्स, लुक आफ्टर, लुक अप, लुक इनटू या लुक डाउन, क्या रहेगा फ्रेंड्स इसमें, तो फ्रेंड्स क्या रहेगा, लुक अप, बी ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन, डिक्शनरी में लुक अप का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों, लुक समथिंग अप का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड्स, शब्दकोश आदि से होता है, यानी कुछ ढूंढ निकालना, टू सर्च फॉर एंड फाइंड, ठीक है, यानी कुछ ढूंढ निकालना, तो यानी अपना इसमें बी ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और इंग्लिश के, तो आपके कितने करेक्ट हुए मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स आप ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कल के प्रश्न से, कल का प्रश्न था धन से बना विशेषण शब्द है, फ्रेंड्स मुझे बहुत अचंभा हुआ, बिल्कुल भी मतलब बहुत कम लड़कों ने, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने, ओनली 4 स्टूडेंट्स ने इसका सही सही आंसर बताया। धन से बना विशेषण शब्द, धनी, निर्धन, धनवान या ये सभी, तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट था डी ऑप्शन, धन से बना विशेषण शब्द कौन सा था दोस्तों, ये सभी थे, यानी धनी, निर्धन, धनवान, धन से बने विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो अपना इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस किस का सही हुआ, मुझे बहुत अचंभा हुआ दोस्तों, बहुत अचंभा हुआ कि सिर्फ इतने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही हुआ, मतलब और जितने लगभग 30-35 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बताया था दोस्तों, लेकिन आंसर सही केवल 4 का हुआ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले 1 से 5 तक लाइक और कमेंट करने वाले, हमारे से क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, पहला कमेंट और लाइक दोस्तों किसका था, गोपाल बेरवा जी, दूसरा ललिता सालवी जी, संध्या वर्मा जी, प्रियंका वैष्णव जी और रवि शर्मा जी, इन्होंने सबसे पहले लाइक और कमेंट किया दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की, आज का हमारा प्रश्न है, सुरेश वाज टाइड ऑफ किरण से अप्रोच सो द आस्कड हर टू मेक हर फाइनल डिसीजन बाई दैट इवनिंग, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, सिली विली, डेली 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 या डेली नेली या वेस्टिंग, तो
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स, न कि लाइव क्लास में, ठीक है, जिसका सही होगी नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम है लिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनका कल सही हुआ था, कल वाले क्वेश्चन का। पहला नाम है संध्या वर्मा जी, दूसरा जितेंद्र कुमार सैनी, तीसरा धीरज पाठक जी और चौथा विष्णु सुमन जी। ठीक है फ्रेंड्स, चार स्टूडेंट्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बिल्कुल बढ़िया फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही था। तो देखिए दोस्तों, आप खुद देख लीजिए, अचंभे वाली बात नहीं है। तो क्या मुझे तो बहुत अचंभा हुआ कि एक हिंदी का क्वेश्चन था, सिर्फ इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो मैंने लिया, तो इसमें सिर्फ चार स्टूडेंट ने सही आंसर बताया। तो बताइए दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी फ्रेंड्स, आप इसे लाइक ज़रूर करना, लाइक करके आप मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, सब्सक्राइब कराना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।